49वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स में शामिल जेर तरबियत एएसपीज का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस वकास नज़ीर ने वफ्त को पंजाब पुलिस के पेशा वराना अमूर, वर्किंग और जराइम की शराब बारे ब्रीफिंग दी। पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर का 15 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स। निश्तर कॉलोनी पुलिस लाहौर ने निजी यूनिवर्सिटी और सोसाइटी में फायरिंग करने वाले 18 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। और विहाड़ी पुलिस ने फ्रॉड स्कीम से सादा लो आवाम को लूटने वाला ग्रोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया। अस्सलामु अलैकुम, सिर्फ सीटीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चासवें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स में शामिल जेरे तरबियत एएसपीज का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस वकास नज़ीर ने वफ्त को पंजाब पुलिस के पेशा वराना अमूर, वर्किंग और जराइम की शराब बारे ब्रीफिंग दी। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद से आए वफ्त में 8 खातीन समेत 36 जेरे तरबियत एएसपीज शामिल थे। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि अवामी खिदमत, ओपन डोर पॉलिसी और जदीद पॉलिसिंग को अपना शार बनाएं। जो पुलिस ऑफिसर जितना अच्छा मैनेजर होगा वो उतना ही कामयाब ऑफिसर होगा। करियर के आगाज में मुश्किल पोस्टिंग को चैलेंज समझकर कबूल करें ताकि आप मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार कर सकें। आईजी पंजाब ने पुलिस फोर्स के पेशा वराना अमूर और दरपेश चैलेंजेस बारे एएसपीज के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर का 15 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स। निश्तर कॉलोनी पुलिस लाहौर ने निजी यूनिवर्सिटी और सोसाइटी में फायरिंग करने वाले 18 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल मौसूल हुई के कुछ अफराद निजी यूनिवर्सिटी और सोसाइटी में असलहे की नुमाइश फायरिंग करते हुए दाखिल हुए हैं, जिस पर पुलिस ने रिस्पॉन्स करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान यूनिवर्सिटी और सोसाइटी में फायरिंग करके अवामुन नास में खौफ व हरास फैला रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान से 7 राइफल, मैगजीन्स और गोलियां बरामद हुई हैं। दूसरी जानब इछरा पुलिस लाहौर ने 15 पर फौरी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। सब्जाजार पुलिस लाहौर ने हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हसनैन डुब्बनपुरा के इलाके में हवाई फायरिंग कर रहा था। इत्तला मौसूल होने पर सब्जाजार पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल और खोल बरामद हुआ है। मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने और हवाई फायरिंग करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विहाड़ी पुलिस ने फ्रॉड स्कीम से सादा लो आवाम को लूटने वाला ग्रोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया है। विहाड़ी पुलिस ने मोबाइल फोन के जरिए लोगों को लूटने वाला ग्रोह का सरगना तारिक ओडू गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम कौन बनेगा करोड़पति नामी फ्रॉड स्कीम से सादा लो आवाम को लूटने में मसरूफ था। मुलजिम के कब्जे से गैर मुल्की करेंसी, जाली चेक समेत दीगर अहम रिकॉर्ड बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन मियांवाली की ऑफिस में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन जियाउल्लाह ने आने वाले शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने। एसपी इन्वेस्टिगेशन जियाउल्लाह ने कंप्लेंट सेल के जरिए मार्क होने वाली दरखास्तों पर आने वाले शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने और उनको मेरिट पर हल करके यकसू करने की हदायत दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन मियांवाली जियाउल्लाह ने कहा कि शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए PICA.media और सोशल मीडिया पेजेस।